तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं, कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि मानवता पूरी तरह से मर गई। हरियाणा के सोनीपत से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई, जहां एक मूक बधिर नाबालिग से रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा में दरिंदगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला है सोनीपत के स्पेशल स्कूल का, जहां एक नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम बच्ची कुछ कह सुन नहीं सकती, लेकिन उसकी हालत को देखकर पिता ने भांप लिया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। बच्ची को जब डॉक्टर को दिखाया गया तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है कि भाई हमारी लड़की के साथ तो गलत काम हुआ है। लड़की की सारी प्रोसीडिंग करवा दी, उसके बयान करवा दिया, उसका मेडिकल करवा दिया है, यहाँ तक कि उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड भी गठित करवाया गया है। महिला थाना प्रभारी और एसआईटी की टीम की सदस्य ने बताया कि एक नाबालिग मूक बधिर के साथ रेप का मामला 6 जून को दर्ज किया गया था। इस मामले में एक एसआईटी का गठन भी हुआ है। पीड़ित परिजनों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मेडिकल बोर्ड की पेंडिंग है रिपोर्ट आनी, उसके पलंदे वगैरह एफएसएल मधुबन भेज दिए गए हैं और हमारी तफ्तीश तस्दीक जारी है। एसआईटी गठित हो चुकी है, हमारी एएसपी मैडम है निकिता खट्टर मैडम, वो हैं इंचार्ज हैं और हम 2 इंस्पेक्टर हैं, वो उसमें शामिल हैं। वही करीब 1 महीना होने को है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार परेशान है। पीड़िता के पिता का कहना है कि वो रात दिन पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार की परेशानी देखकर सामाजिक कार्यकर्ता भी उनकी मदद को सामने आ रहे हैं। आपके अपने कानून में भी है कि 12 साल से नीचे अगर लड़की के साथ कोई इस तरीके की दरिंदगी होती है, इस तरीके की कोई घटना होती है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई के प्रावधान में भी फांसी की सजा भी है इसमें, तो इसीलिए उनको बचाने की पुलिस को कोशिश कर रही है। नहीं तो 1 महीना हो गया, 1 महीने में तो अब तक इन्होंने रिपोर्ट बना कर गिरफ्तार करके दे देनी चाहिए थी। वक्त के साथ पीड़ित परिवार का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। परिवार पुलिस के रवैये से परेशान है। महीना भर होने को है, लेकिन आरोपी का पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में आपराधिक मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पुलिस इसको कंट्रोल करेगी। हमारे